आई वी एम भाई तो हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है बंगाली में अड्डा उड़िया में खोटी कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी हेलो सौरभ कैसे हैं आप बस प्रणय बढ़िया तुम बताओ सौरभ आप तो एक आईटी कंपनी चलाते थे पहले और अब तो आपकी खुद की स्टार्टअप है तो आप अपने एम्प्लॉज को पेंशन देते हैं पेंशन देना तो जरूरी है तो मैं नहीं देता हूँ ये ऑब्लिगेशन है और एक बहुत छोटी कंपनी हो तो ऑप्शनल होता था लेकिन हमने कभी वो ऑप्शनैलिटी का फायदा उठाया नहीं यू कैन ऑलवेज गिव इट तो हम हमेशा तो आपको हमेशा देर इज कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड देर इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों मिलाकर के कुछ जाता है बारह चौदह परसेंट टाइप्स कुछ होता है तो आपने देखा होगा कि अक्सर ये अखबार में खबरें आती हैं कि सरकार की जॉब है तो फिर इतने फलाना लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया और पीएचडी लोगों ने भी अप्लाई किया और अक्सर ऐसी खबरें आती है तो लोग पूछते हैं कि क्यों इतनी डिमांड है सरकारी जॉब की तो दो आम तौर पे जवाब आते हैं एक तो सरकार में जॉब आ गई तो फिर आपको निकाल नहीं सकते और दूसरा उसके बाद अच्छी पेंशन मिलती है ये सुना है क्या आपने बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि भाई जिंदगी भर के लिए अब पेंशन खत्म है एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो उसके बाद एक आपकी पूरी उम्र की इनकम जो है वो पक्की है हाँ <laughs> तो हाँ। इसी विषय पर चर्चा करनी थी मुझे और मैं तो पेंशन थोड़ा मिलिट्री एंगल से देख रहा था क्योंकि ये वन रैंक वन पेंशन वगैरह के ऊपर थोड़ा बहुत लिखा है मैंने तो मैं सोच रहा था कि ये पेंशन का जो मुद्दा है इसको ही थोड़ा विस्तार से समझते हैं क्योंकि मुझे तो ज्यादा पता नहीं है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है इसमें तो अः मैंने सोचा इसी के ऊपर हम लोग पुल्बाजी करते हैं और इसके लिए हमारे पास एक परफेक्ट गेस्ट है रेणुका साने रेणुका uh, इकोनॉमिस्ट है एनआईपीएफ में कार्यरत हैं और उन्होंने पेंशन के ऊपर बहुत कुछ लिखा है बहुत कुछ एनालिसिस की है और uh, उन्होंने जैसे शोध किया है ओ वगैरह पे उसकी क्या लागत है अक्सर में वो शायद uh, आमतौर पर और किसी ने किया ही नहीं है तो और मैंने और कोई एनालिसिस तो देखा ही नहीं है इंडिया में तो uh, इसीलिए हम लोगों ने सोचा उस पर रेणुका से ही बात करते हैं तो रेणुका स्वागत है आपका पुलियाबासी में थैंक यू वेरी मच ठीक है तो रेणुका एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं हम तो हमेशा तो सबसे पहले तो ये पेंशन जो है ये जो कॉन्सेप्ट संकल्पना है ये शुरू कहां से हुई थी हमेशा से तो पेंशन नहीं थी हम लोग तो नहीं सुनते थे कि मतलब ऐसे Uh, कि राजा राजे रजवाड़े तो पेंशन नहीं देते होंगे शायद तो uh, इस संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई हम मैंने पढ़ा था कि बिस्मार्क ने जर्मनी में शुरू की थी ये क्या ठीक है uh, इस कहना ये हाँ रफली ठीक है, है बट ये पेंशन का जो कॉन्सेप्ट है यू नो आपने मिलिट्री पेंशन से शुरुआत की आ, तो पहले मतलब एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है कि थर्टीन बीसी में सीजर ऑगस्टस ने अपने सोल्जर्स को Uh, एक कोट अनकोट पेंशन दी थी क्योंकि वो चाहते थे कि यू नो वही सोल्जर्स उनके खिलाफ ना फिर से लड़ उठे तो इन सम वेज यू नो उनको बाय आउट करने के लिए उन्होंने एक ऐसे पैकेज दिया था जब सैलरी वो थर्टीन टाइम्स नॉर्मल सैलरी थी जो अभी सोल्जर्स uh, थे फिर रफली फिफ्टीन नाइन्टी टू थ्री में भी इंग्लैंड में जो सोल्जर्स घायल हुए वॉर में फॉर एग्जाम्पल उनको ऐसे एक पैकेज दिया जाता था या उनकी विडोज को पैकेज दिया जाता था अगेन एक तरह से एक इंसेंटिव है कि यू you नो know, आप हमारे लिए लड़े तो जनरल पॉपुलेशन के लिए ये पहले नहीं था और जनरल पॉपुलेशन के लिए आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि बिस्मार्क ने एक ओल्ड एज पेंशन स्कीम बनाई थी जहाँ पे सारे लोगों को पेंशन मिल रही थी शली so अः ये पहली बार था कि वर्कर्स को पेंशन मिल रही थी सो so ये इन सम सेंस अगर आप जनरल पॉपुलेशन या वर्कर्स पेंशन देखे जो मिलिट्री पेंशन नहीं है वो बिस्मार्क से ही आई थी आ, उसके बाद तो मैंने सुना है कि बिस्मार्क ने ये इसलिए शुरू की थी क्योंकि उन वो चाहते थे कि लोग रिटायर हो जाए और <laughs> यंग लोग आए आ, ऐसा सही है क्या? काफी सारी कहानियां हैं कि hmm. ये क्यों शुरू की गई थी बट एक एक रीजन डेफिनेटली ये है कि आप यू you नो know, नए लोगों को लाना चाहे तो आप लेकिन उन्होंने जो एलिजिबिलिटी एज रखी थी वो सत्तर साल की थी तो यू you नो know, उस जमाने में सत्तर hmm. काफी ज्यादा उम्र थी आई मीन रिलेटिव टू अगर आप फिफ्टी एट और सिक्सटी भी देखे आज जो इंडिया hmm. में रिटायरमेंट एज है वो बहुत ही कम है रिलेटिव टू सेवेंटी

सिटीजन वाइड पेंशन है कि आप अगर वहां के सिटीजन है तो आपको पेंशन मिलती है uh, ये सब ज्यादा करके वॉर के बाद आया एक्सपेंशन ऑफ़ वो, वो एक विक्टोरिया, विक्टोरिया को चिट्ठी लिखते है जरा चालू करवा दीजिए दोबारा से ठीक mm -hmm. है mm -hmm. तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भी राजा रजवाड़ो के टाइम पे भी जो बेसिकली दरबारी लोग होते थे mm -hmm. उनको कभी कभार मतलब राजा तो किसी को भी कुछ भी दे सकता है ना तो आई थिंक ऐसा पेंशन का कॉन्सेप्ट था शायद कि दरबारी जो है जिसको आपके राजा के पसंदीदा लोग हैं उनको जिंदगी भर के लिए जैसे काफी लोगों को वो नहीं दी जाती थी कि भाई आपको इतनी जमीन दे दी ताकि आपको इनकम मिलती रहे तो एक कोई था लेकिन वो एज लिंक वगैरह शायद नहीं था पर हाँ और आई थिंक वो सिस्टमैटिक नहीं था तो जब आप हाँ। यू नो अगर राजा को पसंद आ गए तो उन्होंने तो दे दिया, दे भी दिया भी भी। आ, ये बात अलग होती है एज अपोज टू एक लॉ लाना या स्टैट्यूट लाना और कहना की यू नो आइडल सबको मिलती है या फिर आप तीन चार पांच कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आपको मिलती है तो वहां पे वो डिस्कशन जो है थे वो खत्म हो जाता है एज फार एज आई नो कि एक रॉयल कमीशन ऑन सिविल एस्टेब्लिशमेंट था जो 1881 में बना था अच्छा इन ब्रिटिश इंडिया और उन्होंने पहला अवार्ड दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919-1935 में भी कुछ बदलाव किए uh, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इज वेन हमने इपीएफओ uh, बनाया Uh, और आज जो आप यू नो सौरभ आप बात कर रहे थे पहले कि एक कोई यू नो मैंडेटरी स्कीम होती है uh, बड़ी उसके लिए तो पर आप अब, अब हम लोगों ने काफी चीजों की बात की जैसे सौरभ ने बोला कि जमीन दे देते दे थे आपने रेणुका बोला कि इंसेंटिव देते थे तो ये पेंशन जो संकल्पना है उसका कोई स्पेसिफिक मतलब है क्या कि मतलब आ, आ, एक आप रिटायर होने के बाद आपको हर महीने जो पे आउट हो उसी को ही पेंशन कहते हैं कि आपको लमसम कुछ दे दे रिटायरमेंट के बाद उसको भी पेंशन कहा जा सकता है तो दो तरह के कोड एंड पेंशन होते हैं मतलब बेसिकली पेंशन ये चीज है जो आपका पोस्ट रिटायरमेंट और रिटायरमेंट ये कॉन्सेप्ट भी तो नया कॉन्सेप्ट है राइट Hmm. कि आप एक एज के बाद काम नहीं करोगे क्योंकि कहीं लिखा है कि आप काम नहीं करोगे बिकॉज uh, ट्रेडिशनली hmm. अगर आप से खेती कर रहे हो तो जब तक आप कर सकते हो आप काम कर लोगे hmm. या आप रिक्शा चला रहे हो या आप टेलर हो या आप राइटर हो जो भी हो यू you नो know, uh, ये जो कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट का वो भी पेंशन के कारण ही इन अ सेंस आया है अदरवाइज अगर आप आज भी इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में देखे तो रिटायरमेंट का क्या मतलब है बिल्कुल आप जब हुँ. चाहे बंद कर दो जब होता नहीं है काम बंद कर दो या इतना पैसा हो गया पैसे की जरूरत नहीं है काम बंद कर दो सो यू नो इन दैट सेंस रिटायरमेंट इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट जो छोटा न्यू एज कॉन्सेप्ट है Uh, कि हम साठ साल के हो गए कि अब हम ऑफिशियली काम uh, नहीं करेंगे बट अब वो कॉन्सेप्ट आ गया है तो उसमें दो तरह की पेंशन होती है बेसिकली क्या करना है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको इनकम नहीं मिल रही है और आपको इनकम नहीं मिल रही है तो आपको कुछ तो पैसा चाहिए जीने के लिए और आ, आ, ये दो तरह के हो सकते हैं कि एक जो है वो प्रोविडेंट फंड कहते हैं हम उसको इसमें बेसिकली आपके रिटायरमेंट डेट पे जो भी आपकी पूंजी जमा हुई है जिस फंड में आप पैसे डालते थे यार आपके एम्प्लॉयर पैसे डालते थे वो आपको मिल जाती है और फिर आप उसका जो करना है करें आप एक दिन में उससे घर खरीद ले आप उसको क्रूज पर जाके वेकेशन कर ले और फिर दस दिन के बाद आपके पास कुछ नहीं होगा तो बस हमारा कोई लेना देना नहीं है नहीं। या फिर आप उसको धीरे 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 यूज करते रहे जब तक आप जिंदा रहे और शायद अपने बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ जाए उसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं कि आप एक फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करें जब तक आपकी नौकरी हो जब तक आपकी कमाई हो और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको वो पूंजी वापस मिल जाए और दूसरा है पेंशन यू नो uh, you know, जिस दिन आप रिटायर होते हो उस दिन हर महीने या हर तीन महीने जो भी आपकी स्कीम है uh, उसके मुताबिक आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता जाता है ताकि हर महीने तनख्वाह की तरह आपको एक पेंशन मिलती रहे डिफरेंस और द क्वेश्चन रियली इज कि ये फाइनेंस कैसे होती है uh, hmm. इसमें जो आपको पैसा मिल रहा है पोस्ट रिटायरमेंट वो किसका पैसा है इधर वो आप ही का पैसा है जो आपने आपके यंग एज में किसी फंड में डाला था और आपको आप वापस मिल रहा है या फिर वो सरकार आपको दे रही है मतलब सारे टैक्स पेयर्स से पैसा लेके वो आपको पैसा दे रही है तो इसमें मतलब एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट पेंशन होती है कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन तय है हर महीने आप 10 परसेंट बीस परसेंट जो भी रेट है वो एक फंड में डालोगे फिर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा उसका मुझे कोई भरोसा नहीं राइट या बेनिफिट होता है कि आप कुछ भी डालो अभी या ना भी डालो लेकिन आपको इस इस फॉर्मूला के तहत आपको एक पेंशन मिलेगी इसको हम डिफाइंड बेनिफिट पेंशन कहते हैं तो एक यू you नो know, ये डिफरेंस है फंड और पेंशन में बट ये सारा कुछ एक अमरेला वर्ड पेंशन के अंदर ही आता है तो एक हो गया कि बेसिकली आपकी पेंशन फिक्स हो गई और दूसरा हो गया कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स हो गया That's फिर right. आपके से जो भी मिलेगा मिलेगा लेकिन एक अगर आपकी पेंशन फिक्स कर ही, ही।, हाँ। ही मतलब हम कहते हैं कि हम आपसे इतना कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे और आपको इतनी पेंशन देंगे और अगर शॉर्टफॉल हुई आ, तो फिर वो किसी और को शॉर्टफॉल भरनी पड़ेगी अः वेर एस डीसी स्कीम्स में वो आपसे हम कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं और उसके बाद जो मिले सो मिले तो इसका जो रिस्क है ये आपके ऊपर है कि यू नो मार्केट रिस्क से हम कहते हैं कि अगर मैंने आपसे हर हर महीने दस परसेंट लिया तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसके ऊपर Hmm. Uh, कभी कभी वो भी गारंटीड होता है जैसे ईपीएफओ में वो गारंटी करके बोलते हैं आठ परसेंट नौ परसेंट जो भी डिक्लेयर करते हैं बट कुछ स्कीम्स में जो मिलेगा सो मिलेगा जैसे मार्केट होगा वैसे आपको उस साल इंटरेस्ट uh, रेट मिलेगा सो uh, so ये भी वेरिएबल होता है तो यू नो बेसिकली देर इज डीसी एंड डीबी स्ड ये आपके कॉन्ट्रीब्यूशन से फाइनेंस्ड है या टैक्स पेयर से फाइनेंस्ड है या मिक्सचर है और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो वो गारंटीड है या वो नॉन गारंटीड है तो so ये सब कॉम्बिनेशन होती है और उससे फिर एक यू you नो know, जो भी कॉम्बिनेशन लेके आप स्कीम जिस भी कंट्री में हो आप, आपको वैसी स्कीम मिलेगी या जैसे इंडिया में कभी कभी इवन इन्फ्लेशन लिंक्ड भी हो जाती है काफी बार इन्फ्लेशन सिविल सर्वेंस के लिए इन्फ्लेशन लिंक्ड होती है मिलिट्री के लिए तो हमने कर ही दिया है हाँ। बट अगर आप ईपीएफओ देखो तो आपको जो पीएफ है उसमें कोई डायरेक्ट इन्फ्लेशन लिंक नहीं है क्योंकि जो फंड है वो आपको एट रिटायरमेंट मिल जाएगा और दैट अच्छा। वो ही मेन है मतलब एक छोटी सी पेंशन भी मिलती है लेकिन वो काफी छोटी होती है सो द मेन इन तो जहां तक मुझे समझ में आया ये जो भी हम लोग पी एफ कहते हैं ये सब डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एक स्कीम ही है क्योंकि हम लोग खुद डिपॉजिट कर रहे हैं और बाद में जैसा हम लोगों ने सेव किया है उसके तहत अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे अलग अलग रूल्स के तहत हमें पैसे मिल रहे हैं जबकि कुछ जो पेंशन होती हैं वो डायरेक्ट uh, कंट्रीब्यूशन uh, uh, भी हो सकती है और डायरेक्ट बेनिफिट भी हो सकती है जैसे कि ओआरओपी ओ पी है वो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है और और नेशनल पेंशन स्कीम है वो सॉरी एनपीएस क्योंकि आप उसमें ट्वेंटी परसेंट एक्चुअली अभी ट्वेंटी फोर परसेंट हो गया है आ, आप कंट्रीब्यूट करते हो और एनपीएस uh, में एट दी एंड आपको सिक्सटी परसेंट जो आप, आपकी जो भी अक्यूमुलेशन या पूंजी बनेगी उसमें से सिक्सटी परसेंट आप लमसम निकाल सकते हो पी की तरह और जो फोर्टी परसेंट है उससे आपको एक अन्य खरीदनी पड़ेगी मतलब आप इंश्योरेंस कंपनी को ये फोर्टी परसेंट दे दो और फिर वो हर महीने आपको एक पेंशन देंगे तो इन सम वेज आप डायरेक्टली वो पेंशन खरीद रहे हो एज अपोज टू सरकारी पुरानी सरकारी स्कीम जहां पे आप कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे थे डायरेक्टली लेकिन आपको जनरल uh, फंड से सरकार पे, uh, पेंशन दे रही थी मतलब आपके टैक्स और बाकी लोगों के टैक्स के पैसों से आपको पेंशन मिल रही थी रेणुका में, में भी बाकी लोगों से बात करता हूँ जबरदस्ती की सेविंग सरकार करा रही है हमसे ठीक है मतलब एक तरह से उन्होंने उन्होंने बोल दिया है कि देखो भाई तुम इतना कमाते हो और तुमको जो है चौबीस परसेंट अपनी सैलरी का डालना पड़ेगा अपने बुढ़ापे के लिए Mm. मेरी मर्जी मैं डालूंगी नहीं डालू तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले दैट इज ट्रू सो पेंशन इज एसेंशियली वेरी पटरनलिस्टिक वेयर यू नो आपको सरकार कह रही है कि आ, मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आप दूर की नहीं सोचोगे और <laughs> <laughs> इसीलिए मैं फोर्स कर रहा हूं आपको uh, सोचने के लिए सो इन दैट सेंस यू आर राइट इट्स वेरी पटरनलिस्टिक बट द एक्सपीरियंस हैज बीन दैट लोग नहीं सोचते हैं दूर की और फिर वो यू you नो know, अपने आप को सिक्सटी सिक्सटी फाइव में उनको लगता है कि आप कुछ भी बचा नहीं, नहीं। और उससे क्या होता है कि उससे एक तरह से एक्सटर्नैलिटी होती है दूसरों पर क्योंकि अगर आपको आप यंग एज में पुअर नहीं थे और आपने सेविंग नहीं की तो आप ओल्ड एज पॉवर्टी में आप यू नो ओल्ड एज पॉवर्टी होती है और उस वक्त फिर नौकरी करना भी मुश्किल हो जाता है कि अगर आपकी हेल्थ खराब हो आ, कभी कभी टेक्नोलॉजिकल ऑप्सलेंस हो जाता है कि आप यू you नो know, एक एक जनरेशन से थे आप अब अब नौकरी मिलना जब 65, 70 हो गए हो तो नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्किल्स अपग्रेडेशन मुश्किल हो जाता है तो एट दैट पॉइंट सरकार ये नहीं चाहती कि आप बेसिकली uh, रस्ते पे आ जाए सो so, इसीलिए uh, ये फोर्सेबल सेविंग है जहां पे आप uh, लोगों को फोर्स कर रहे हो अभी यू नो वन थिंग ट्रेडिशनल सोसाइटीज uh, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो hmm. अगर भी आपने सेव नहीं किया तो आपके बहुत सारे बच्चे थे और बच्चे uh, ले आते थे मतलब आपको सड़क पर आने की जरूरत hmm. uh, नहीं पड़ती थी बट अब uh, अब ये भी चेंज हो रहा है कि अब uh, लोगों के एक तो बच्चे भी कम है और uh, ये जो डिपेंडेंस था वो भी कम हो रहा है सो इन दैट सेंस दैट फोर्स सेविंग और भी जरूरी हो जाता है नहीं ये तो मतलब लोग मॉडर्निटी को देते हैं लेकिन बुद्ध के टाइम की जातक कथा है ना जिसमें वो जाता है अपने बाप की कबर खोदने तो फिर उसका बेटा कहता है मैं पहले ही कबर खोद देता हूँ तुम्हारे को वेट नहीं कराऊंगा बाद में ढाई तो <laughs> हजार साल पुरानी कहानी है कि उसको लगता ये है ये हिंदुस्तान yes, की तो ये <laughs> <था>, <laughs> हाँ तो, <laughs> तो ये तो मेरे ख्याल से ठीक बात है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बीच में और ये हिंदुस्तान में काफी कष्ट वाली चीज है मतलब बीच में कोर्ट वोर्ट ने भी कहा है कि जब मतलब आप अपने आपको एल्डरली का ध्यान रखना पड़ेगा ये लीगल ऑब्लिगेशन है ये सब आता रहता है बीच बीच में तो शायद तो ये आपको लगता है ये मतलब सरकार हम पे थोप रही है लेकिन ये लाइक थोपना अच्छा है ऐसा ऐसा है क्या रेणुका I mean, you know, in some sense, uh, it's a tough question because yeah. uh, there's a part of me that uh, जिसको अच्छा नहीं लगता है कि सरकार हमारी life में interfere करे but the mm -hmm. pensions researcher in me says कि इसके फायदे हैं फायदे हैं <laughs> mm -hmm. so the question is you know आप balance कैसे strike करोगे mm -hmm. uh, so on the one hand uh, force सेविंग इज यूजफुल बट ऑन दी अदर हैंड विद इन दैट आप लोगों को कितनी फ्लेक्सीबिलिटी दे सकते हो कि uh, जहां सेव करे वहां वो कर सके और यू you नो know, एक और चीज है कि द क्वेश्चन इज मैं आपको फोर्स कर सकती हूँ कि आप चौबीस परसेंट बीस परसेंट जो भी नंबर आप निकालो सेव करो द क्वेश्चन इज कहाँ सेव करो तो mm -hmm. मतलब सरकार ये कह रही है कि आप सेव भी करो और सेव बस ये चार इंस्ट्रूमेंट्स में करो mm -hmm. करेक्ट आप गोल्ड में नहीं सेव कर सकते आप ये चौबीस परसेंट मार्केट में नहीं डाल सकते आपको ये चार जो चीजें मैंने या आई मीन ईपीएफ में तो वो भी चॉइस नहीं है आपको बस मुझे ही पैसे देने हैं hmm. मैं ईपीएफओ हूँ hmm. और जो उसका मैं कर सकता हूं मैं वो करूंगा राइट सो आई थिंक दैट ये जो एक्सट्रीम हो जाता है जहां पे हम पैसे कंपलसरी सेविंग भी करते हैं और उसमें चॉइस भी नहीं देते हैं कि आप सेव कहाँ कर सकूँ आई थिंक ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है उसमें हम अगर थोड़ा चॉइस दे दे uh, तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा ऑफकोर्स उसकी डाउन साइड ये है कि स में हम पढ़ चुके हैं एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि लोगों को नहीं पता लगता कि देता है ऐसे देखें तो कहीं भी अगर ज्यादा मिलता है तो वो रिस्क के साथ ही मिलेगा इतने इतने कम रिस्क में गारंटीड रिटर्न इतना अच्छा परसेंटेज और कहाँ मिलेगा लाइफ देट इज ट्रू बच्चा है बट इसके अलग ही यू नो फिजिकल कॉस्ट्स हैं या, हम लोग पे, पे भी तो कर रहे हैं उसको हाँ <laughs> yeah. और ये फाइनेंशियल एक तरह से फाइनेंशियल रिप्रेशन है कि आप यू नो ईपीएफओ कंपलसरीली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, uh, इससे है और इससे गवर्नमेंट को चीप फंड्स मिलते हैं और इन यू नो उससे देर इज अ प्रॉब्लम ऑन द इंटरेस्ट रेट्स ओवरऑल इन द मार्केट सो uh, so, अगर द क्वेश्चन इज किसी भी चीज को आप किसके नजरिए से देख रहे हो ना अगर मेरे नजरिए से एज अ कस्टमर देख रहे हो तो ठीक है hmm. साढ़े आठ परसेंट आपको uh, में तो नहीं मिलेगा इंश्योरेंस स्कीम्स hmm. में भी नहीं मिलेगा तो बचता hmm. है सिर्फ गोल्ड uh, या निफ्टी <laughs> तो ठीक है मतलब यू नो इट्स इट्स बहुत बढ़िया है और टैक्स फ्री और टैक्स फ्री दैट्स राइट सो पीपीएम

असर होता है बट बट राइट कि अगर आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट और पीपीएफ और ईपीएफ को कंपेयर कर रहे हो तो सारा एक ही है मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट तीनों पर एक ही है एक ही है uh, uh, उस हिसाब से मतलब ऐसे गारंटीड थिंग तो बुरा नहीं है मतलब मार्केट में ठीक है पैसा ज्यादा मिलता है पर रिस्क के साथ है दैट इज इज द क्वेश्चन हाँ आपके लिए बुरा नहीं है कि आपको गारंटी मिल रही है बट गारंटी की भी एक कॉस्ट होती है हाँ, जी, बिल्कुल, और uh, You know, ये कोई भी गारंटी फ्री में नहीं मिलती है कोई ना कोई इसका कॉस्ट भर रहा है और शायद आप ही भर रहे हो क्योंकि एक्सपे <laughs> <laughs> होते हैं इसके इम्प्लीकेशन यू नो जो दिखते नहीं है यू नो दीज आर अनसिन थिंग्स बट अल्टीमेटली ये सारी गारंटी का कॉस्ट हम ही पे कर सौरभ आप हम लोग एक सौ पांच रूपये का पेट्रोल रहा है हाँ। तो लेकिन अभी हमको पता है आई मीन फाइनेंसिंग में ये सब हमको दिखता है क्या रेणुका आपको पता है क्या की जैसे ईपीएफओ में कितना पेंशन जो है वो फंड के खुद के जनरेशन से जाता है और कितना सरकार को अपनी प्रोमिस की वजह से ऊपर से भरना पड़ता है So, अगर आप पी एफ को अभी देखो तो आई डोंट थिंक दैट डों शॉर्ट फॉल एटलीस्ट अच्छा फ्रॉम वी सी ओके तो ई पी एफ में दो तरह के चीजें हैं ना एक तो है प्रोविडेंट फंड और एक है पेंशन ना mm -hmm. प्रोविडेंट फंड इस जहाँ आप पैसा डालते हो वो पैसा सरकार या ई पी एफ ओ इन्वेस्ट करती है और वो उससे उस उस इन्वेस्टमेंट रिटर्न आते हैं और वो एक एट परसेंट या जो भी उस साल का टली वो पहले डिक्लेयर करते हैं बट यू नो लेट्स नॉट गेटिंग दैट दे डिक्लेयर सम रेट, एंड फिर आपका वो अकाउंट बढ़ता रहता है और आप उसको निकालोगे जब आपका रिटायरमेंट होगा आई थिंक ये रीजनेबली वेल फंडेड है इसमें एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है बट जो पेंशन स्कीम है जो uh, आपको डी बी पेंशन देती है उसमें उसका जो एक्चुअल वैल्यूएशन है उसका मतलब है कि यू uh, नो you know, आप अगर मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ लेट से मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपको सौ रुपया दूंगी टिल द टाइम यू लिव उसके लिए मेरे पास कोई एस्टिमेशन होना चाहिए कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी है? कितने साल मुझे भरना पड़ेगा और जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जाती है वैसे यू नो you know, वो अमाउंट ज्यादा लगती है क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज सिक्सटी बीस साल है ओके okay, बट अब वो यू नो अस्सी के बजाय एटी फाइव हो गई है वो 90 हो गई है तो अब तीस साल आपको पेंशन भरनी पड़ती है uh, तो इसका जो इनकमिंग है टैक्स थ्रू या कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू और जो आउटगोइंग है इसके इसमें थोड़ा यू you नो know, मुश्किल हो जाती है फंडिंग की मुश्किल हो जाती है और जो लास्ट एक्चुअल वैल्यूएशन हमने देखा था आई का काफी टाइम पहले उसमें एटलीस्ट लिखा गया था कि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है फंड में शॉर्टफॉल है और अगर शॉर्टफॉल हुई तो सरकार को वो भरनी पड़ेगी बट इसका लेटेस्ट मुझे पता नहीं है शायद वो शॉर्टफॉल भर भी दी गई होगी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन से बट इसका पब्लिकली इजिली अवेलेबल नहीं है कि क्या स्टेटस है आ, ये हम लोग कोई ऐसे सीएजी ऑडिट रिपोर्ट नहीं भरता है कि हम लोग देख सके हमारी पेंशन है हमको चाहिए agree, देखना चाहिए ना आई अग्री देखना चाहिए आई थिंक सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट थी कुछ सालों पहले और उसमें Uh, कुछ इश्यूज थे बट अच्छा। लेटेस्ट uh, मतलब ईपीएफओ की वेबसाइट पर एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिली है लेटेस्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट शायद वो भी सकती है और uh... तो हमको कान खींचने चाहिए नागरिकों को जाके कि हमारे पैसों का हिसाब नहीं दे रहे ठीक से आई डोंट थिंक नागरिक इतने है क्योंकि यू you know, अगर वो ई पी एफ ओ दे रहा है या सरकार फंड कर रही है मतलब लोग कहेंगे मेरा क्या जाता है एज लॉन्ग एज मेरे लॉन्ग एजो तो पैसा मिलना ही है एग्जैक्टली exactly. तो आई थिंक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट अगर ऐसा वक्त आया कि ईपीएफओ टाइम पे पेंशन नहीं दे रही है तब जाके लोग उठेंगे यू नो नहीं तब तक लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको उठना चाहिए ना कि हम हम तो नहीं लोगों की पेंशन भर रहे फाइनली सरकार के पास थोड़ी पैसा है जैसे प्रणय ने बोला बाकी लोग और इनफैक्ट जो लोग हम लोग हैं जिनको पेंशन मिलने वाली है उनको तो कम चिंता होनी चाहिए हिंदुस्तान में ज्यादातर ज्यादा ऐसे लोग हैं जो सब टैक्स भरते हैं पर पेंशन मिलती नहीं है यानी वो तो दूसरों की पेंशन भर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सो ये तो बिल्कुल जरूरी है है ना मतलब जो गरीब आदमी भी है जो एक माचिस खरीद के टैक्स भर रहा है उसको बोलना चाहिए कि यार ये मेरे टैक्स से किसी की पेंशन जाती है ठीक है तो मैं तुम्हारी टाइम पेंशन भर रहा हूँ uh -huh. <laughs> बिल्कुल सही बिल्कुल सही है बट ये इतना रियलाइजेशन uh, इंडिया में नहीं है दैट अल्टीमेटली hmm. जो यू you नो know, सरकार देती है इसका मतलब हम देते हैं आई डोंट थिंक दैट इट इज वाइडली एज वाइडली नोन एज इट शुड बी तो एक और सवाल था थोड़ा एक और फिलोसॉफिकल तौर पर आपने जैसे कहा कि एक एक्सटर्नैलिटी होती है आ, कि लोग आगे बड़ी उम्र में कुछ काम नहीं कर पाएंगे तो ये मैं समझना चाहता हूँ ये एक्सटर्नैलिटी किस तरीके से हो ये तो एक प्राइवेट लॉस हुआ ना तो ज, क्योंकि आप जैसे कहती हैं कि मार्केट फेलियर हो तभी सरकार को इंटरवीन करना चाहिए पर यहाँ पे कौन सा मार्केट फेलियर है ये एक्सटर्नैलिटी क्यों है अगर मैं मैंने साठ की उम्र में ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया और इसीलिए मेरी हालत बुरी है तो ये दूसरे के ऊपर कैसे फर्क डालती पार्टली बिकॉज जब आपकी हालत खराब हो जाएगी तब मोस्ट ऑफ द टाइम्स Uh, सरकार को uh, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सो एट दैट टाइम सरकार आसान नहीं है कहना कि आप जाओ मरो मोस्ट सोसाइटीज में ऐसे नहीं होता है सो यू नो इन एंटिसिपेशन कि अगर आप ठीक नहीं रहे पोस्ट सिक्सटी तो इसका इम्प्लीकेशन करंट टैक्सपेयर पे आएगा क्योंकि फिर हमें कोई ना कोई वेलफेयर बेनिफिट कैश ट्रांसफर कुछ देना पड़ेगा तो यू नो इन दैट सेंस इट इज एन एक्सटर्नैलिटी अदर थिंग जो एक्सटर्नैलिटी है वो है कि देर इज इन सम्फॉर्मेशन एसिमेट्री कि आपको पता नहीं है फॉर एग्जाम्पल hmm. कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन होती तो शायद आप आ, कुछ और करते बट मोस्ट ऑफ अस यू नो हम सोचते नहीं है इस बारे में और सोचे भी तो uh, कोई अच्छा एस्टिमेट नहीं है कि हम कितने साल तक जिएंगे। एंड वंस आप सेविंग करो भी यू you नो know, उसके बाद एक अलग टाइप की इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है कि uh, and वो पूरे ही फाइनेंस में इसका इश्यू है इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेंशन कि आपको जो सेल्स पर्सन पेंशन प्रोडक्ट बेच रहा है वो सही से बेच रहा है कि नहीं उसमें कितना सही कितना झूठ उसमें वो कह रहा है कि वो इतना इन्वेस्ट करेगा इस चीज में इन्वेस्ट करेगा बट सच मच में कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो ये जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री की प्रॉब्लम है ये भी बहुत बड़ी है और फाइनली यू नो इट्स अ इन पेंशन स्पेशली यू हैव टू बाई इन द बिहेवियरल

ण एक रेणुका ने बड़ी अच्छी चीज मेरे को लगा बोली कि जो एक वो जो असिमेट्री वाली चीज वो ऐसे भी है कि एक तरीके की रिस्क पूलिंग भी हो रही है ना प्रणय हम लोगों को एक एक किसी भी एक इंसान को नहीं पता कि उसकी जिंदगी कितनी है पर हम एस एन एवरेज बता सकते हैं कि सोसाइटी में कितनी होने वाली है तो अगर हम पेंशन सब मिलके करें तो एक कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम भी है हर आदमी नहीं करेगा लेकिन शायद सरकार मैंडेट कर रही है तो हम सबको करना पड़ रहा है और ये फिर सबके लिए अच्छा है क्योंकि हर एक का रिस्क अलग अलग है लेकिन हम पूल करके अपना सब लोग अपना रिस्क एवरेज आउट कर ले रहे हैं दैट्स ट्रू बट यू नो दिस इज गुड वेन आप एक अन्यूटी प्रोडक्ट दे रहे हो बिकॉज यू नो तब मैं सबका प्रीमियम अभी ले रही हूँ और आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपको पेंशन दूंगी जस्ट द रिवर्स ऑफ इंश्योरेंस हम इंश्योरेंस में लोगों का प्रीमियम लेते हैं और वी नो uh, कि कुछ ही लोग उसका मतलब मरेंगे और उसका यू you नो know, उनकी फैमिली को वो इंश्योरेंस uh, मिलेगा द रिस्क इज ऑफ लिविंग लॉन्ग करेक्ट 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 तो जब हम इसीलिए अगर आप एनपीएस भी देखो और वहां पे फोर्टी परसेंट कंपलसरी है तो कंपलसरी हाँ। एन्यूटाइजेशन का यही फायदा है कि सबकी रिस्क पूल हो जाती है तो कोई हाँ। कुछ लोग यू you नो know, तीस साल जिएंगे कुछ लोग दस साल जियेंगे हाँ। लेकिन जो दस साल जिएंगे वो तीस वालों को सब्सिडाइज कर रहे हैं इन वे इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आप कंपल्सरी uh, uh, ना करे तो यू you नो know, एक तरह का एडवर्स सिलेक्शन होता है बिकॉज जिसको पता है कि वो हेल्दी है और जिसका चांस है कि वो लंबा जिएगा hmm. वो ही एनिटी खरीदेगा क्योंकि अगर मुझे पता है कि मेरा अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम है यू you नो know, मैं क्यों एन में पैसा डालू hmm. uh, और उस एन का प्राइस बढ़ता जाता है बिकॉज ओनली दोस्ट जो लंबा जिएंगे वो आते हैं वेर एज जब आप पूल करते हो सबको तो आपको एक्चुअली रिस्कूलिंग मिलती है बिकॉज एक्सपीरियंस ऑफ मोर्टैलिटी विल बी हेट्रोजिन मतलब अलग अलग लोगों की मोर्टैलिटी अलग अलग होगी और उसी से आप पूल कर पाओगे अगर आप कम्पल्सरी नहीं करोगे तो फिर वो मार्केट बनेगा नहीं। ये 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 कॉन्सेप्ट आपने अच्छा बताया मैंने कभी इस एंगल से सोचा नहीं था पेंशन के बारे में तो ठीक है मतलब आ, मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो मार्केट फेलियर का एंगल है इसमें पर मुझे अभी भी थोड़ा सोचना है इसके ऊपर <laughs> मुझे मुझे, लग, मुझे लगता है प्रणय मार्केट फेलियर नहीं है लेकिन शायद एफिशिएंसी एंगल मुझे तो जैसा दिखा नहीं है तो यू कैंट कॉल इट मार्केट फेलियर लेकिन सब जिसको मेरे को कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम ज्यादा लग रहा है कि सब लोग मिलके करें अगर और सरकार एक तरह से सबको कोयर्स कर रही है कि सब मिलके कर लो तो सबके लिए अच्छा है लेकिन अगर नहीं करो तो उसको मार्केट फेलियर नहीं बोल सकते एक तरीके का सोशल फेलियर निकलेगा बाद में मार्केट ने तो कुछ नहीं गलती करी इस पर पर रेणुका इसका इसके ऊपर हमारे पास एविडेंस है गाइस जैसे आपने बोला कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे कंपलसरी कर दिया था काफी देशों में तो अब हमारे पास तो 70 साल का डाटा है तो अब हमें पता है कि इस एक कारण की वजह से जो बुढ़ापे में गरीबी है वगैरह वो घटी है मतलब आइसोलेट करना मुश्किल होता है लेकिन इकोनॉमिस्ट तो, तो करते ही हैं वो तो ऐसा कुछ हमारे पास अब एविडेंस है क्या सर्टनली uh, मतलब अगर आप ओईसीडी कंट्रीज को देखें तो फॉर एग्जांपल यूएस में सोशल सिक्योरिटी जो मिलती है आपको पोस्ट सिक्सटी या सिक्सटी फाइव वो काफी इम्पोर्टेंट है ताकि लोग पॉवर्टी में स्लाइड ना करें बट यू नो इसका ये भी है कि जब एक बार स्कीम आ जाती है तो आप आपका बाकी बिहेवियर उस स्कीम के लिए चेंज कर देते हो तो मतलब देर इज अ वर्ल्ड वेर आई नो कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है और आई बिहेव इन पर्टिकुलर वे और देर इज अ वर्ल्ड कि जब मुझे पता है कि मुझे 65 के बाद कुछ मिलने वाला है तो आई विल बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे तो यू you नो know, इसको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है लेकिन इन पुअर कंट्रीज जहाँ पे फॉर uh, एग्जाम्पल आप इंडिया देखो वहां पे मोस्ट लोगों को पेंशन नहीं मिलती है तो अगर उसमें एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हो कि अगर अब आपको सोशल यू नो पेंशन मिलना शुरू हो जाए तो फिर आपकी लाइफ में क्या फर्क होता है और स्ट्रेंजली साउथ अफ्रीका में उन्होंने सोशल पेंशन शुरू करी थी आफ्टर अ पर्टिकुलर एज और यू नो देर आर स्टडीज की जिन लोगों को जो एलिजिबल थे वर्सेज जो एलिजिबल नहीं थे उनके लाइफ में क्या फर्क आया दैट टेल्स यू कि ये पेंशन ने क्या फर्क लाया hmm. उसमें आपको दिखता है कि जिन लोगों को पेंशन मिलती है वो उनकी थोड़ी लाइफ बेटर होती है ऑब्वियसली अगर आपको इनकम मिल रही है तो यू विल डू बेटर बट यू नो दैज अ स्ट्रेंज रिजल्ट कि एक्चुअली उनके ग्रैंड चिल्ड्रेन की स्कूलिंग इम्प्रूव होती है बिकॉज यू नो होता क्या है कि अगर आप साथ में रह रहे हो और किसी का इनकम बढ़ जाता है तो इंस्टेड ऑफ फीडिंग मी हु इज ओल्ड पर्सन Uh, वो पैसा बच्चों के एजुकेशन में लग जाता है <laughs> तो थोड़ा बजट एलोकेशन थोड़ा hmm. अलग हो जाता है बिकॉज वन मेंबर ऑफ द फैमिली को एक पेंशन मिल जाती है hmm. तो इसका डायरेक्ट किसी भी वेलफेयर ट्रांसफर का मतलब देर इज डायरेक्ट बेनिफिट कि वो आपको कैश ट्रांसफर मिलती है बट देर इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट बेनिफिट कि आपकी फैमिली का बजट में थोड़ा जो कंस्ट्रेंट था वो थोड़ा ईज आउट हो जाता है

और अगर, तो okay? तो अगर आप सरकारी नौकर हैं और अगर आप 2004 के पहले आपको नौकरी मिली है तो आपके एक डीबी पेंशन मिलती है जो रफली 50% परसेंट ऑफ द लास्ट वेज और लास्ट टेन ईयर वेज आपको फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ पेंशन मिलती है अगर आप 2004 के बाद आपको सरकारी नौकरी मिली तो आप कंपलसरीली एनपीएस में हैं uh, आप 10 परसेंट डालोगे आपकी सैलरी का सरकार अभी 14 परसेंट डालेगी ये 24 परसेंट किसी एक पेंशन फंड में आप यू you नो know, पहले चॉइस आई थिंक सरकारी लोगों को चॉइस नहीं है आप पेंशन फंड में डालोगे वो मार्केट रेट्स है उसका जो बनेगा वो बनेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको सिक्सटी परसेंट लमसम मिलेगा फोर्टी परसेंट आप ये है हमारे सिविल सर्विसेज की स्कीम जो मिलिट्री पेंशन है वो अभी भी डीबी है और उसको हमने वन रैंक वन पेंशन भी बना दिया है आ, उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट लेयर पे वो है फर्म्स जो सौरभ कह रहे थे पहले ट्वेंटी प्लस एम्प्लॉज मतलब आप अगर उस कंपनी में काम करते हो जहाँ पे ट्वेंटी प्लस लोग काम करते हैं तो वो बाय लॉ आती है ईपीएफओ के अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और उसमें भी आप कुछ बारह परसेंट आप डालते हो बारह परसेंट एम्प्लॉयर डालता है और उससे आपको एक पीएफ मिलता है विच इज दी एफ जहाँ पे यू नो हर साल सरकार एक इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करती है और उसका जो भी अक्यूमुलेशन होगा वो आप लमसम निकाल लोगे और एक पेंशन मिलती है जो है ईपीएस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम अगर आप इन दोनों कैटेगरीज को मिलाएं तो रफली कहा जाता है किसी को एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं पता है आठ से बारह परसेंट ऑफ जो वर्कफोर्स है उनको ये पेंशन मिलती है बिटवीन दीज टू ओके इसके बाद है जो सब वॉलेंट्री है आ, मतलब आ, वो एनपीएस हो मतलब अगर वी आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हम भी एनपीएस में अकाउंट खोल सकते हैं हम पीपीएफ में अकाउंट खोल सकते हैं हम इंश्योरेंस uh, कंपनीज कभी कभी पेंशन स्कीम्स बेचती है हम वो खरीद सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के पास कभी कभी प्लान्स होते हैं जिनको वो पेंशन प्लान्स कहते हैं हम वो भी खरीद सकते हैं सो so, ये है ब्रॉडली इनफॉर्मल सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन जहाँ पे आप पैसा डाल रहे हो और आपको पेंशन uh, या प्रोविडेंट मतलब अक्यूमेशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेगा और फाइनली एक पेंशन है जो आ, हम जो कहते हैं वो टेस्टेड टेस्टेड पेंशन है का मतलब कि अगर इनकम या एसेट्स या जो भी यू you नो know, ये हो वो किसी थ्रेश के नीचे हो हुँ. तो आपको सरकार टैक्स फाइनेंस पेंशन देगी नो क्वेश्चन आस्ट आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो बट अगर आप ओल्ड एज में पॉवर्टी में हो तो आपको एक इसको सोशल पेंशन कहते हैं या मीन्स टेस्टेड पेंशन कहते हैं ये है द इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन प्रोग्राम आई जी एन ओ ए पी एस ये एक कैश ट्रांसफर है फॉर ओल्ड पीपल और ये भी इंडिया में है और इसमें आई थिंक सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट रफली टू हंड्रेड रुपीज मंथ देती है और हर एक स्टेट इसको टॉप अप करती है तो कुछ स्टेट पांच सौ देते हैं कुछ स्टेट हजार देते हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका इनकम आप बीपीएल हो फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम एक किसी लेवल के नीचे हो हमारे यहाँ वो बीपीएल कार्ड होता है और अगर आप उसके लिए क्वालिफाई कर गए तो आपको एक पेंशन मिलेगी एज दी ओल्ड पर्सन ताकि आप यू you नो know, बिल्कुल आपको एटलीस्ट खाने के लिए कुछ पैसा हो सो so रफली ये रो ये लैंडस्केप है और जो मैंने ईपीएस कहा उसी के पैरल और भी तीन चार प्रोविडेंट फंड है जैसे कि कोल माइनर्स के लिए अपना एक प्रोविडेंट फंड है फिर आसाम टी प्लांटेशन के लिए अपना एक प्रोविडेंट फंड है सो uh, ऐसे so, अलग अलग प्रोविडेंट फंड है फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन बट ब्रॉडली अगर यू you नो know, आप पेंशन कहे तो ये हमारा लैंडस्केप है काफी फ्रैगमेंटेड है hmm. क्योंकि कुछ चीजें मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं कुछ चीजों का अपना अपना एक्ट है कुछ चीजें यू नो बिल्कुल ही एक लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आती है एक फाइनेंस मिनिस्टर के मिनिस्ट्री के अंदर आती है तो इट्स अ फ्रेगमेंटेड मार्केट बट रफली ये इतना पैसा की बात कर रहे हैं रेणुका हम इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है तो कुछ नंबर का अंदाजा दीजिए ना कि ये सब <laughs> मिला के, roughly ऐसा exact नहीं पर मतलब अगर आप मार्केट uh, देखोगे तो इट्स नॉट सॉरी एट टू टेन परसेंट Uh, तो अच्छा, वो ज्यादा okay, नहीं है ओके एट टू टेन परसेंट ऑफ दो आवर एयूएम अंडर ईपीएफ इज अबाउट इलेवन लाख करोड़ सो दैट इज द एसेट अंडर मैन गॉट इट हाँ तो ईपीएफ ग्यारह लाख करोड़ तो ये जैसे लोग बोलते हैं ना कैलिफोर्निया का जो कैल्पर्स है दुनिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड है तो वो right. तो कुछ ऐसा ट्रिलियन डॉलर में है मेरे ख्याल से राइट ऑलरेडी या या बिल्कुल तो एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी आल्सो हमारा जो ये नंबर <laughs> है वो काफी बहुत ही कम है बहुत ही छोटा और एनपीएस भी बहुत कम है बिकॉज एनपीएस में लार्जली सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है अगर वॉलेंट्री एनपीएस देखे तो उसमें ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है एनपीएस मतलब पी एफ एक और स्कीम चलाती है अटल पेंशन योजना बट वो भी अभी मतलब 2014 में ही शुरू की गई थी तो उसके भी मतलब नंबर्स अभी कम है बट आई थिंक ओवर टाइम ये बढ़ेगा वाह ये तो अच्छे से अब समझ में आ गया कितने अलग अलग तरीके के चीजें तो इससे मुझे एक जुड़ा हुआ सवाल था जो है नेशनल पेंशन सिस्टम राइट नेशनल न्यू पेंशन स्कीम दो अलग oh, अलग नाम यूज़ करते हैं पेंशन स्कीम नाउ हाँ नेशनल पेंशन स्कीम ठीक है तो ये जो था ये आर्थिक सुधार बहुत ही जब स्टूडेंट्स को मैं बात करता हूँ पब्लिक पॉलिसी में तो अक्सर लोगों की ये धारणा होती है कि भारत में कोई भी सुधार एक आपदा के बिना नहीं हो सकता एक क्राइसिस होनी चाहिए तभी कोई रिफॉर्म होता है ये हमारे मन में एक गढ़ गया है लेकिन ये जो एनपीएस का सुधार था उसमें हम लोग पहले एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में थे जैसा आपने कहा सिविल सर्विसेज स्कीम पेंशन स्कीम का जिसमें आपको जो भी हो सरकार ने प्रॉमिस कर दिया है सरकार की हालत कैसी भी हो आपको तो मिलना ही है मिलना पेंशन तो उसको सरकार ने सुधारा और ये एनपीएस Uh, में सब सिविल सर्विस एम्प्लॉज को लाया और उन्होंने कहा कि आपको खुद कंट्रीब्यूट करना है आपकी पेंशन फंड बनाने के लिए तो ये तो बहुत बड़ा रिफॉर्म है बहुत प्रोटेस्ट होना चाहिए था इसके ऊपर पर ये नहीं हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ क्या किया सरकार ने ठीक से कि जिसके जिससे कि ये रिफॉर्म हुआ और हमको पता भी नहीं है सरकार के बाहर लोगों को और इसका मतलब बैकड्रॉप ये भी था ना कि आई मीन योर यूरोप वगैरह में बाकी देशों में खूब लोगों सुनाई दे रहा था कि उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज की वजह से क्योंकि उन्होंने पहले किया हुआ था शायद राइट तो आई थिंक एक अंदाजा सरकार को था कि हम प्रॉब्लम में घुसने वाले आई एग्री सो इसका बेसिकली uh, 1998 में uh, uh, वो आई मीन पीपल फिगर्ड दैट देयर वाज अ फिस्कल क्राइसिस कमिंग इन द सेंस दैट हम बहुत पैसा खर्च कर रहे थे ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज और दे आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ़ द और ये अनसस्टेनेबल था mm -hmm. कि अगर हम ऐसे ही डीबी पेंशन देते रहे तो इससे के ऊपर uh, बहुत प्रॉब्लम होगी mm -hmm. uh, तब ये भी एक रियलाइजेशन था सरकार को उस वक्त मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट ओएसिस बनाया कमिटी ऑफ पीपल जो स्टडी कर रहे थे uh, पेंशन के ऊपर और uh, एक और उनका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव था बिकॉज ये शुरुआत हुई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से इट डिड नॉट स्टार्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्चुअली ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एट दैट टाइम उन्होंने शुरू की थी उन्होंने प्रोजेक्ट ओएसिस कमिटी बनाई थी और ये प्रोजेक्ट ओएसिस रिपोर्ट जो थी वो सेंट्रल थी पेंशन रिफॉर्म लाने में और उस वक्त उनका का ये भी मानना था कि और करेक्टली यू नो जो आज भी है इन सम वेज कि uh, जो फॉर्मल पेंशन है वो बस रफली आठ से दस परसेंट या आठ से बारह परसेंट वर्कफोर्स को कवर करती है और बाकी सारे लोगों के पास कुछ नहीं है हुँ. तो यू you नो know, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं कैसे हम लोगों को किसी स्कीम के अंदर ला सकते हैं जहां पे हम उनसे फोर्स सेविंग कराए ताकि जब वो सिक्सटी प्लस या यू नो ओल्ड हो जाए उनके पास uh, पैसा रहे तो उस वक्त ये फिजिकल uh, क्राइसिस तो यू नो दैट्स हाउ एनपीएस वाज बोर्न कि उन्होंने कहा कि चलो हम एक ऐसी स्कीम बनाते हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सारे लोग उसका लाभ उठा सके सो व्हाट इज रियली नाइस अबाउट द एनपीएस इज दैट यू नो वो साइलोड नहीं है एटलीस्ट hmm. उसके डिजाइन में साइलोड नहीं थी कि अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मेरा तो अकाउंट बन ही रहा है लेकिन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है फिर भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई यूज कर रही हूँ आप वही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हो यू नो जनरली हम गवर्नमेंट के लिए उनकी स्कूल्स होती हैं उनका सी जी एच एस होता है hmm. उनका ऑल ऑफ दीज पर्क होते हैं जो नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं एक्सेस कर पाता बट एनपीएस इज वन थिंग जो आप एक्सेस कर पाओगे ना उसके काफी सारे रीजन है कि वो ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है बीबी वील टॉक अबाउट दैट लेटर बट कमिंग टू दिस यू नो अ इशू और इसीलिए उन्होंने एनपीएस पी एस बनाई और उस वक्त जो हम यूरोप में वैसी कंट्रीज में देख रहे थे जैसे कि आपने कहा कि डेमोग्राफिक uh, ट्रांजिशन हो रहा था दैट यू नो बेसिकली पहले जब स्कीम्स बनी बन थी तो हर एक ओल्ड पर्सन के लिए पांच यंग लोग थे जिसका टैक्स उसका पेंशन भर सकता था बट अब ये रिवर्स हो गया है क्योंकि फर्टिलिटी ड्रॉप्स हो गए हैं, अब यंग लोग कम हैं और यू नो बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, तो अब अब उल्टा हो गया है कि बेचारा टैक्स पेयर पांच लोगों की पेंशन भर रहा है तो ये अनसस्टेनेबल हो जाता है दो चीजें हुई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है पहले आप बस दस साल तक जीते थे अब आप बीस पच्चीस तीस साल तक जी रहे हो और फर्टिलिटी ड्रॉप्स हुए हैं तो लोग भी कम हैं जो टैक्स भर सके ये सारे ही वर्ल्ड में और इंडिया में भी धीरे धीरे हो रहा है चाइना में तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो ही गया है hmm. बट अगर हम इंडिया फर्टिलिटी रेट्स भी देखें तो हमारे यहाँ भी ऐसे हो रहा है कि अब पॉपुलेशन एजिंग हो रहा है सो इसीलिए डीसी स्कीम बनाई गई थी कि हम इसमें नहीं घुसना चाहते थे नाउ द रीजन वाई ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं हुआ तब क्योंकि ये उन्होंने सिर्फ न्यू एंट्रेंस को अप्लाई किया hmm. तो उन्होंने बेसिकली कंट्रोवर्सी में अगर प्रोटेस्ट तब होता जब आपको कुछ मिल रहा है और मैं आपसे उसको चेंज hmm. कर लूँ या आपसे ले लू बट hmm. hmm. जब आप नए हो आपको आपका सर्विस कंडीशन यही है कि अगर आपको में नौकरी चाहिए तो अब आपको एनपीएस मिलेगा एंड यू नो दिस बिफोर यू ज्वाइन देन आई थिंक दैट द डील इज डिफरेंट एंड आई थिंक पार्ट ऑफ द रीजन की प्रोटेस्ट नहीं हुआजुराने लोग थे टू थाउजेंड फोर से पहले जो रिक्रूट किए गए थे आ, उनको कोई इश्यू नहीं था उन, उनकी पेंशन पुरानी जैसी थी वैसी ही रही आ, आ, लेकिन अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं एज पीपल आर ग्रोइंग आई मीन इंक्रीजिंगली हम अखबार में पढ़ते हैं कि पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिन पी एस सो uh, ऐसा so, नहीं है कि रेजिस्टेंस बिल्कुल uh, ही नहीं है resistance है बट थैंकफुली सो फार एटलीस्ट अभी तक तो मैंने कुछ सुना नहीं है कि वो को पीछे नहीं ये तो यहाँ पे प्रणय काफी इंटरेस्टिंग है कि हमने पहली बार दूसरों की गलती से सीख लिया हुँ। देख रहे थे कि दूसरों ने क्या किया है और हमने देख करके काफी दूर अंदेशी दिखाई ये चीज करने में तो ये हाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम अक्सर उल्टा देखते हैं एग्जाम्पल ना तो ये एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है हाँ नहीं और एक और जो रेणुका ने बात की जो बहुत अच्छी थी कि आ, हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि सुधार कैसे हो और अक्सर लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स ट्रम्स इकोनॉमिक्स तो कैसे सुधारो हो लेकिन इसमें जैसे ट्रांजिशन प्लान था ना कि जो ऑलरेडी सरकार में है उनको आप कंटिन्यू करते रहो जैसे हो और जो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं वो तो सरकार में आए ही नहीं थे तब जब ये स्कीम लागू हुई तो वो कहाँ से ऑर्गेनाइज करेंगे और तो एक तरीके का जो ट्रांजिशन पाथ है एक जगह से दूसरे जाने के लिए वो शायद इस स्कीम से और इस बदलाव से हमें देखने मिलता है तो ये आप कई चीजों पे लागू कर सकते हैं ना जैसे एयर इंडिया को आपको अगर बेचना था दस साल पहले तो आप बोल सकते थे शायद जो लोग ऑलरेडी एयर इंडिया में उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर फिर भी हम लोग आप आपकी सैलरी देते रहेंगे लेकिन फिर भी हम लोग एयर इंडिया तो बेच देंगे तो उस तरीके का ट्रांजिशन शायद इस एक्सपीरियंस से मिल सकता है आपको क्या लगता है रेणुका और लगा है। और दूसरी चीज यू नो आई मीन स्पेशली आप एयर इंडिया की बात कर रहे हो इशू इज इस कि हमें डिसीजन जल्दी लेना चाहिए हुँ. आप जितना आप आपके अगर सामने एक प्रॉब्लम है आप उसको अगर रिजोल्व करने में जितना डिले करोगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है मतलब अगर दस साल बीस साल पहले अगर आप एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट करते तो जो आपके सामने प्रॉब्लम थी वो काफी छोटी थी रिलेटिव टू आपके सामने जो अभी प्रॉब्लम है एंड आई थिंक दैट एनपीएस में ये भी हमने बहुत टाइमली डिसीजन था वो uh, जब फिजिकल कंट्रोल మేం హం కర్ సక్తే థ తభి హమ్నే యే చేంజ్ లాయా బహత్ దూర్ کی సోచి ఐ విష్ కాఫీ సారీ చీజోమే హం యు నో ఇత్నే ప్రొయాక్టివలీ సోచ్ పై బట్ ఆఫ్ కోర్స్ యే ఎయిర్ ఇండియా ఇస్ ఫార్ మోర్ పొలిటికల్ యు నో దెన్ ఎన్ పిఎస్ అండ్ సో సాడ్లీ యు నో ఇన్ ఉస్ ఉస్ ఫీల్ మే హమ్నే జదా కుచ్ నహీ కియా హై బట్ అట్లీస్ట్ ఇస్ ఫీల్ మే హమ్ కుచ్ కర్ పై लेकिन रेणुका ने एक अच्छी चीज बोली प्रणय की अब दिख रहा है मेरे को मालूम नहीं था कि लोग अब थोड़ी सी प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुझे लगता है की एक ये ओ से बेसिकली लोगों में एक एक्सपेक्टेशन बना है कि हम सरकार की बाह मरोड़ सकते हैं ना क्योंकि वहां पे तो एक एग्जिस्टिंग लोगों ने अपने बेनिफिट बढ़वा लिए ना कि जो जॉइनिंग के टाइम पे प्रॉमिस था हम चेंज करवा सकते हैं आप पे प्रेशर डाल के तो अगर उन्होंने करा लिया तो अब हम क्यों नहीं करा सकते ऐसा लोग सोचेंगे ही ना हाँ बिल्कुल तो अभी ओ पर ही आ जाते हैं और ओ आर ओपी पहले समझा देते हैं फिर क्योंकि ओ आर ओपी मतलब वन रैंक वन पेंशन मतलब अगर आप कर्नल के तौर पर अगर रिटायर हुए हैं उन्नीस आप आ, 1960 में रिटायर हो या 2021 में आपको सेम पेंशन मिलेगी तो आपकी अगर आप आ, 1960 में रिटायर हो तो आपकी बेसिकली आज के कर्नल रिटायरमेंट पे जो है उ, 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 उतने तक अपग्रेड हो जाएगी तो वो है तो इसका अर्थ क्या है हम लोग एक्चुअली उल्टी दिशा में चले गए हम लोग डायरेक्ट सरकारी एम्प्लॉज के लिए हम लोगों ने बोला कि ठीक है आपको तो खुद ही पैसा देना है आपकी पेंशन फंड बनाने के लिए और सरकार भी फोर्टीन परसेंट देगी कॉन्ट्रीब्यूशन लेकिन ओ में कह रहे हैं आपको कोई पेमेंट नहीं करना है सरकार उल्टी दिशा में आपको ये भी इंश्योर करेगी की हर साल हर कुछ सालों में आपकी पेंशन बढ़ती जाए और ये सब पैसा टैक्सपेयर देगा मतलब सरकार देगी आप कुछ भी जोड़े ना तो ये तो आ, ऐसा भी नहीं कि इन्फ्लेशन लिंक भी नहीं है कि महंगाई की वजह से बढ़ रही है जो नई सैलरी है उसके और नई पेंशन के हिसाब हाँ। से बढ़ रही है मतलब महंगाई फिर भी समझ में आता है कि आपकी पेंशन है और महंगाई के हिसाब से ये नहीं है कि बासठ की आपको पेंशन मिलेगी आपको 2021 की महंगाई के हिसाब से मिलने चाहिए लेकिन यहाँ पे वो हमने सैलरी नई सैलरी से और नई पेंशन से उसको लिंक कर हाँ। तो रेणु ये गुत्थी सुलझाई हमारे लिए कैसे हम लोग एनपीएस के लिए एक दिशा में गए और वारूपी के लिए वो एकदम उल्टी दिशा में और आगे जाके क्या आपको लगता है सैनिकों को भी कोई अलग कॉन्ट्रीब्यूशन एक एनपीएस में लाना चाहिए अब हम कैसे गए <laughs> ये यू नो you know, कहते हैं ना अब माय पे ग्रेट सो इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है या ऑप्टिक्स है वो समझाने की मैं हिम्मत भी नहीं करूंगी आ, लेकिन इट इज कि अगर आपको इसको हम वेज इंडेक्सेशन कहते हैं आ, कि यू नो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन जैसे सौरभ ने समझाया कि वो है जो आ, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी वैसे से तीन परसेंट पांच परसेंट से मेरी पेंशन बढ़ती रहेगी बट ये है वेज इंडेक्सेशन और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि यू नो you know, जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी आज के कर्नल की सैलरी यू नो बहुत ज्यादा होगी उसके ऊपर की जो पेंशन है Uh, वो आप दोगे तो इसका फिजिकल इम्प्लीकेशन बहुत हैवी है hmm. और वी विल पे द प्राइस ऑफ इट मतलब hmm. अगर आप डिफेंस बिल्स देखें अभी भी आ, वो काफी बलून होते जा रहे हैं और अल्टीमेटली uh, आप रेवेन्यू मतलब पेंशन पे खर्चा करोगे या yeah, इक्विपमेंट पे खर्चा करोगे अल्टीमेटली मनी इज लिमिटेड और इसके जो कॉन्सिक्वेंसिस है वो हम हमारे यू नो डिफेंस की जो क्वालिटी है उस पे भी आ सकती है क्योंकि आ, अगर सारा पैसा वेजेस और सैलरीज और पेंशन में जा रहा है आ, तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में आपके पास कितना पैसा बचेगा सो uh, so, ये कॉन्सिक्वेंसेस काफी डैमेजिंग है और ये यू you नो know, जैसे होता है ना जो uh, जो धीरे धीरे डैमेज होता है वो हमेशा आ, हम नहीं यू नो ह्यूमन बीइंग्स नहीं देखते हैं hmm. आ, सो ये इट्स वन ऑफ कि इसका हमें धीरे धीरे डैमेज पता चलेगा और दूसरा इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है मुझे नहीं पता की होगा की नहीं, आ, कि होगा कि नहीं कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट्स कम हो जाएंगी क्योंकि hmm. अगर पे कमीशन डिसाइड करती है कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट्स है और अगर ओ है तो वन वे टू कर्टेल दिस एक्सपेंडिचर यू नो hmm. uh, you know, अब अब अगेन इसके प्रेशर होंगे कि जब पे कमीशन बैठता है तो उसको पे कमीशन को मुश्किल है कहे की हम इंक्रीमेंट कम देंगे hmm. uh, तो इसका पॉलिटिक्स और इसका प्रेशर uh, अलग है बट uh, uh, ये काफी डैमेजिंग है फॉर फॉर इंडिया फिजिकल सिचुएशन एंड लाइक यू सेड इसके अदर इफेक्ट भी है कि लोग बाकी देखते हैं कहते भाई हमको आपने डीसी में डाल दिया और उनको आप नॉट ओनली डी बट आप ओ आर ओ पी दे रहे हो तो ये डायकोटोमी काफी स्टार्क है hmm. और इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग एनपीएस फोक्स टू ओ आर ओ पी आई थिंक दैट यू नो जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनको एक डीसी स्कीम में लाना चाहिए इनफैक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये प्लान था hmm. कि हम एनपीएस सिविलियंस के लिए लाएंगे और उसके बाद हम आर्म uh, फोर्सेस को भी हम एक डीसी स्कीम में डालेंगे बट आई थिंक दैट वो काफी कॉम्प्लिकेटेड निकला इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड फॉर वट रीजन मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं हुआ बट ये नहीं हुआ एंड देन वी एंडेड अप विद ओआरओपी अभी द चैलेंज ऑफ़ डूइंग अ डीसी स्कीम फॉर मिलिट्री इज़ दैट उनकी रिटायरमेंट काफी जल्दी होती है आ, मतलब ये की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो थर्टी फाइव इतना एग्जैक्टली वो उनकी रिटायरमेंट जल्दी hmm. होती है तो यू you नो know, अगर आपसे आप सोल्जर हो तो आप बस फिफ्टीन ईयर्स अक्यूमुलेट कर पाओगे और अक्यूमुलेशन की यही बात है कि आप जितने से... साल यू uh, नो you know, एक फर्म में रहोगे उतना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता रहेगा और लॉन्ग इयर्स के लिए रहना बहुत जरूरी है तब जाके आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है तो आप पंद्रह साल में कितना अक्यूमुलेट करोगे वो इनफ नहीं है कि वो आपके यू नो लाइफ टाइम को सपोर्ट करे बट इसका ये भी सोलूशन हो सकता है कि आप ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करें फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ ट्वेंटी परसेंट यू मेक इट थर्टी परसेंट या यू you नो know, इसके अलग अलग ये हो हो सकते सकते हैं कि, सकते हैं कि उसके लिए सोचना पड़ेगा और कि हम क्या कर सकते हैं बट अगर हम उस दिशा में चले कि हमें यू नो ओ आर ओ पी को बंद करके डीसी स्कीम कर सकते हैं तो दैट वुड बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन तो मुझे ऐसे लगता है नहीं है एटलीस्ट अभी का माहौल देख के कि हम इसके बारे में बात भी कर सकते हैं इंडिया में हाँ, सही बात है क्योंकि जैसे जो 2014 के इलेक्शन थे दोनों पार्टियों का ये इलेक्शन प्रॉमिस था कि हम लोग ओ को लागू करेंगे तो आ, हम लोग उस दिशा में चलते और ये बहुत मुश्किल है प्रणय यू नो आप मतलब जब आ, मैं, मैं हमने लिखा था ओ के अगेंस्ट The, the kind of comments we got about being traitors, uh, mm -hmm. uh, yeah, it's a very sensitive issue. Uh ki, You know, as if uh, we we want we don't care for our soldiers or I mean, the things people say. So. Uh -huh. <laughs> ये ये मुश्किल है और ये बहुत इमोटिव हो गया है कि हम इसको जब इमोशन आ जाता है तो हम एनालिटिकल ब्रेन अपना छोड़ देते हैं पीछे बिल्कुल एंड आई ओ पी के साथ कुछ ऐसे ही हुआ है हाँ बिल्कुल मैं भी मैंने भी कुछ लिखा है इसके ऊपर और आपने जैसे ठीक Uh, कहा uh, मैंने मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स की तौर पर देखा था इसको तो पिछले दस सालों में एज अ परसेंटेज ऑफ आर जीडीपी या यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिफेंस बढ़ा नहीं है uh, उतना ही रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो घटा है लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही रहा है कि जो इस पोर्शन uh, में पेंशन का योगदान है वो बढ़ता ही गया है तो इसका सीधा सीधा असर ये रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर घटा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल तो कम था कंपेयर टू जो पेंशन एक्सपेंडिचर था तो इस तरीके से हम लोगों की जो आगे जाके मैकेनाइजेशन है हम लोगों को चाइना से लड़ना है तो और लोग खड़े करके तो हम लोग चाइना से नहीं लड़ पाएंगे जबकि उनके औजार ही अलग होंगे तो उस तरीके से हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। और आपने जैसे कहा मैंने भी हम लोगों ने जो आर्टिकल्स लिखे थे पे, उसके ऊपर हम लोगों को बहुत पिटाई हुई बहुत लोगों ने बोला कि तुम तो गद्दार हो तुम चाहते नहीं हो कि भारत के सैनिकों को उनका जो योगदान है हक मिले आ, तो ये मुझे बहुत अजीब हो गरीब आई तो इमोशनल तो तो हो गया है हमने हमने कभी ये नहीं हमने कभी ये नहीं ऐसे ट्राई किया कि भारत भारत के सैनिक तो भारत का जो डिफेंस है उसको मजबूत करना चाहेंगे कि उसी को खाना चाहेंगे हाँ, नहीं पर ये ये नहीं नहीं बोल सकते। ये तो, नहीं बोल सकते सकते हाँ। पर रेणुका इसका भी जो जैसे एनपीएस में रिफॉर्म हुआ वैसे ही कर सकते हैं ना जैसे एक आज के जो सैनिक है आज के रिटायरी है उनपे कोई लागू नहीं होगा ये हम लोगों को प्रोसेस आज शुरू करेंगे तो जो पंद्रह साल बाद रिटायर होंगे उनको शायद एनपीएस मिले एक दूसरा हम लोग ये कह सकते हैं जैसा आपने कहा कि गवर्नमेंट बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती है अभी चौदह देती है सिविल सर्वेंट्स को तो यहाँ पे बोल सकती है हम लोग पता नहीं चौबीस परसेंट देंगे क्योंकि आप सैनिक हैं आपका हक ज्यादा बनता है तो इस तरीके के सोल्यूशन पॉसिबल या है या फिर आपकी हाँ। कम आपकी सर्विस ही कम है तो हम हाँ। उसका एडजस्टेड दे देते हैं आपको एक आपको हाँ। एक तरह से आप बोल सकते हो और मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज होगी कि आप किसी सोल्जर को बोलो कि तुमको एक एक्सेलरेटेड पेंशन प्रोग्राम है जो दूसरा आदमी साठ साल में कमाएगा तुमको हम पैंतीस साल में उतना बेनिफिट देते हैं तो देखो सोल्जर बनने का ये फायदा है कि तुम मेहनत वाला काम कर रहे हो रिस्की काम कर रहे हो लेकिन एक तीस पैंतीस साल का जो सर्विस है तुम उतनी ही पेंशन पंद्रह बीस साल में एक्यूमुलेट कर सकते हो तो ये तो काफी एक अच्छा सेलिंग पॉइंट रहेगा रहे किसी को बताने बुलाने बो, का अभी I mean, ये सब सोचना पड़ेगा अनादर थिंग यू नो जो मैं कहना चाहूंगी वन ऑफ द रीजन बाय एन के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यू नो अगर आपकी डेथ हो, हो गई वायलेंस सर्विस Uh, तो आपका जो एनपीएस का अक्यूमुलेशन है वो कम होगा क्योंकि यू नो यू डेंट मेक इट टू सिक्सटी यू डाइड वेन यू वर थर्टी फाइव यू वर फोर्टी एंड दैट्स प्रॉब्लमैटिक फॉर द फैमिली तो उसमें वन uh, थिंग जो सरकार कर सकती है कि वो एक इंश्योरेंस अच्छा हाँ, वाला टर्म हाँ, इंश्योरेंस भी दे देना साथ में वो तो उनके लिए इतना सस्ता इतना बड़ा पूल है एग्जैक्टली exactly, हाँ. और जब गवर्नमेंट एक बड़ा एम्प्लॉयर है तो वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ नेगोशिएट भी करके अच्छे रेट्स पे आ, ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट ला सकती है आ, या फिर अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो ईपीएफ में प्रॉब्लम है आ, कि हम विड्रॉ कर लेते हैं तो पेंशन you फंड know, का क्या मतलब हुआ अगर आप आ, हर दस साल में वो विड्रॉ करें कभी घर बनाने के लिए कभी बच्चों के एडुकेशन के लिए कभी आ, नो, किसी की शादी के लिए आ, ये हम विड्रोवल्स अलाउ कर रहे हैं पीएफ से ओके एनपीएस okay? में भी हमने थोड़ा लिबरलाइज करके अभी विड्रोवल्स अलाउ कर रहे हैं तो जब आप विद्रोअल अलाउ कर देते हो तो इसमें और किसी और सेविंग प्रोडक्ट में क्या फर्क हुआ Uh, क्योंकि आप यू नो डिपॉजिट से पैसा तो निकाल ही सकते हो ना या बैंक अकाउंट से पैसा निकाल ही सकते हो तो हम यू नो कोर्स लोगों को अपना विड्रॉल्स चाहिए होता है टू डू अदर थिंग्स बट इसके लिए आई थिंक हम दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं फॉर एग्जांपल क्रेडिट अगेंस्ट पेंशन कि आपका ये पेंशन अक्यूमुलेशन है तो आपको लोन मिलेगा घर बनाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द कोलेट्रल उसको एज ए कोलेट्रल लगाने को अलाउ exactly. कर दीजिए exactly. बिल्कुल exactly. बहुत अच्छा आइडिया सो यू नो देयर कैन बी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सो ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर एग्जांपल जो अनहैप्पी है अबाउट पेंशन अबाउट एनपीएस आई थिंक उनके इट्स लेजिटिमेट कंसर्न की अगर यू you नो know, अगर जल्दी डेथ हो गई तो फिर वो पूंजी उतनी बढ़ती नहीं है और उतना फायदा नहीं होता है फैमिली क्या करेगी पर उसके लिए अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है आई थिंक इसीलिए यू नो अगर जब लोग इन चीजों से डिसपॉइंट हो हुँ. तो उनका सोल्यूशन आई थिंक है कि हम दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लेके ये वाली भी नीड्स मीट करें एज अपोज टू पुरानी डीबी स्कीम में चले जाए सो वेन इट कम्स टू एनपीएस और यू नो मिलिट्री पेंशन आई थिंक दैट हमने जो फाइनेंशियल मार्केट है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनको थोड़े और ऑप्टीमली यूज करके अः हम उनको हम लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं hmm. जो हम अभी नहीं सोच रहे हैं एंड आई विश की हम यू you नो know, थोड़ा मोर एनालिटिकली सोचे इस बारे में hmm. तो बेसिकली पेंशन yeah. में प्रोएक्टिवली एज ए मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह देखना चाहिए कि लोगों की नीड्स हो रही हैं उसको मॉडर्नाइज करते रहो प्रोएक्टिवली अदरवाइज जनरल है जैसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो चेंज होती रहेंगी तो डिससेटिस्फेक्शन आया तो पता चला अब पीछे चले गए आगे बढ़ने की जगह अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू कौन बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए ज्यादा पेंशन सो ये ये पूछना भी सॉर्ट ऑफ़ यूजलेस है आग। आग। uh, कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको दो हजार चाहिए या हजार चाहिए तो आप तो बोलोगे ना मुझे दो हजार चाहिए <laughs> लेकिन जो जो पेंशन बना रहा है उसको उसका काम है सोचना कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है नॉट द रिसीवर तो यहाँ पे शायद फर्क पड़ता है क्या कि कंपटीशन नहीं है इसीलिए हमेशा बोलते हैं ना अगर कंपटीशन नहीं है तो कौन सोचेगा कस्टमर के बारे में एक तरह से मनोपली है तो आप सोचोगे मैं क्यों सोचू लेकिन अगर एटलीस्ट दो या तीन पेंशन स्कीम भी आपस में भले तीनों गवर्नमेंट की हो क्या फर्क पड़ता है पर एटलीस्ट आपस में कंपीट कर रही हूँ कस्टमर के लिए तो आपको लगता है कि अपने आप थोड़ा इनोवेशन इंप्रूव होगा तो स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिए सिर्फ हम लोगों पे गुहार ना लगाए दैट इज ट्रू बट उसमें आपको फिर ये गारंटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्योंकि मैं सरकारी हूं कल को मैंने गलती कर दी तो मुझे तो सरकार बेल आउट कर ही देगी तो अगर सरकारी स्कीम होगी और आप कंपटीशन करोगे विद दी अजम्पन की यू you नो know, अब, अब 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 क्या करेगी अब सरकार लोगों को तो कह नहीं सकती कि सॉरी आपका फंड बेकार निकला उन्होंने <laughs> पैसे खा लिए यू नो कोल माइनस प्रोविडेंट फंड में फॉर एग्जाम्पल या सीमन प्रोविडेंट फंड में ओके okay. uh, और ये सी एच रिपोर्ट भी निकली है और उनका गवर्नेंस पे काफी इश्यूज थे uh, लेकिन हुआ क्या यू नो गवर्नमेंट हैड टू बेल आउट इट कान टेल पीपल कि भाई आप सॉरी गवर्नेंस इशू हो गया आपके ट्रस्टीज ने गलती कर दी अब आपको पेंशन नहीं मिलेगी uh, तो ये चीज़ों में प्रॉब्लम है कि आप विदाउट ये मॉडल ये, ये तो हमेशा रहेगा क्योंकि एट नो पॉइंट गवर्नमेंट कह सकते हैं कि सॉरी उनका गवर्नेंस खराब था अब आप you know, अपना अपना देख लो <laughs> अपना अपना देख, आ, ऐसा आप नहीं कह सकते तो इसीलिए यू नो ये रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और गवर्नेंस ऑफ दिस मनी ये कैसे इन्वेस्ट हो रहा है इसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है uh, ये क्लियरली मतलब फॉर एग्जांपल डेट फंड्स में अगर uh, आप मार्क टू मार्केट करते हो या जिस वक्त खरीदा था आप उस वक्त का अकाउंटिंग करते हो इससे आपको पता लगता है कि आपके फंड में एक्चुअली हो क्या रहा है कल को आई क्राइसिस हो गया और आप ईपीएफओ हो या आप एनपीएस हो या आप कोई और पेंशन फंड हो और आप वो आई का बॉन्ड आपके पास है तो वो तो यूजलेस हो गया ना तो उससे जो पैसा आना था अब वो नहीं आएगा तो ये आपके अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ताकि रोज मुझे पता चले कि उस फंड का स्टेटस क्या है बट अगर आप ये ठीक से नहीं करोगे और अकाउंटिंग छिपा रहेगा तो फिर कल को ये प्रॉब्लम्स हो सकती है और जब ये प्रॉब्लम्स होगी तो फिर सरकार आके आपको बेल आउट कर देगी वैसे ये अकाउंटिंग आपने बोला तो ये मैंने कभी सुना था और मुझे तो हजम नहीं हुआ था कि पेंशन फंड की अभी भी सिंगल एंट्री अकाउंटिंग होती है ऐसा मैंने सुना आई थिंक ईपीएफओ में <laughs> आ, या ऐसा है क्या सही में एनपीएस एनपीएस इज मोर मॉडर्न एनपीएस इज यू नो उनका जो अकाउंटिंग है और उनका जो वो मार्क टू मार्केट करते हैं अच्छा। तो उनका रोज एनए आता है फंड का ओ, तो अगर फंड का रोज एनएवी नहीं आ रहा है तो फिर आपको थोड़ा वरी करना चाहिए कि ये पीछे हो क्या रहा है हाँ, क्योंकि हाँ, आपको पता नहीं शायद ठीक भी हो रहा होगा तो मैं यू you नो know, ये नहीं कहना चाहती कि हाँ। कुछ गड़बड़ है लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं है ट्रांसपेरेंसी नहीं तो ए एक ओ आर ओ पी पे मुझे आखिरी पॉइंट ये भी कहना था कि एक तो हमें बहुत मार पड़ी ये कहते हुए कि लोग कहते हैं कि अरे तुमको अगर पेंशन कम करनी है तो वो तुम सिविलियन एम्प्लॉयज की कम करो और कहते हैं कि जैसे सिर्फ मिलिट्री सिविलियंस भी होते हैं तो लोग कहते हैं कि उनकी सैलरी देखो उनकी पेंशन देखो कितनी ज्यादा है और उसे कम और उनके लिए तो रेणुका ये जवाब Uh, काफी होगा ना कि उनके लिए तो ऑलरेडी एनपीएस लागू हो चुका है तो uh, ये जो प्रॉब्लम था सिविलियंस का वो तो सॉल्व कर दिया गया है और उसके सेविंग्स हमें शायद uh, जो रिटायर होंगे 2004 में जो लोग ज्वाइन किए थे उसके बाद से तब से देख दे, दे, दिखना शुरू हो जाएगा वो कहना ठीक होगा ना एब्सोल्यूटली एक्सेप्ट यू नो जस्ट वन वन पॉइंट अभी एक्चुअली सरकार डबल पैसा दे रही है क्योंकि वो जो अभी नए लोग हैं उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रही है और जो पुराने लोग हैं उनकी पेंशन भी भर रही है बिल्कुल, पर जैसे जैसे पुराने लोग रिटायर होते जाएंगे वैसे वैसे उनके ऊपर का एक्सपेंडिचर कम होता जाएगा और जब ये एनपीएस वाले रिटायरमेंट एज तक पहुंचेंगे तब होपफुली यू नो उनकी ऑलरेडी अक्यूमुलेशन होंगी और तब सरकार की आउटफ्लो कम होगी बट यू आर एब्सोल्यूटली राइट दैट द डिस्क्रिपेंसी नाउ इज दैट मिलिट्री को ज्यादा मिल रहा है और एनपीएस का कह ही नहीं सकते हैं मतलब अगर मार्केट ठीक करे Uh, तो इट्स पॉसिबल दैट एनपीएस आपको एक्चुअली बहुत अच्छा रिटर्न लेकिन सरकार की ओर से तो कम ही हो जाएगा पैसा वो तो दैट्स राइट बिकॉज सरकार की ओर से अभी फर्स्ट फोर्टीन परसेंट जा रहा है एटलीस्ट डिरेक्टली बट जो भी पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है <laughs> वो इनडायरेक्टली यू नो उसका अकाउंटिंग करना थोड़ा मुश्किल है Uh, because, uh, हम EPF या एनपीएस में काफी सारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं ठीक है तो अब आखिरी दो सवाल एक तो ये जो विश्व स्तर पे ऐसे सौरभ ने भी जो कैल्पर्स की बात की तो पेंशन फंड बहुत बड़े निवेशक होते हैं ना कई कई देशों में उन लोग वो निवेश करते हैं तो ऐसे भारत को भी ऐसे एक फंड की जरूरत है क्या अगर हम लोग भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में देखे तो ये जरूरी है क्या ऐसे कुछ चीजें और अगर जरूरी है तो आ, क्या हमारी अभी के जो पेंशन फंड में खामियां हैं जिसकी वजह से हम लोग इतने बड़े पेंशन फंड नहीं खड़े कर पा रहे श्योर आई मीन इसमें पॉलिसी जैसे आपके फंड्स बड़े होंगे और आप हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि हमने अभी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बंद कर रखी है तो फॉर एग्जाम्पल आप एन पी का एक्ट देखोगे तो एनपीएस इज नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज तो अगर कैल्पर्स आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है हमको लगता है ठीक है बट अगर ईपीएफओ या एनपीएस के जो पेंशन फंड है वो कल को बाहर इन्वेस्ट करना चाहे तो हमने बाय लॉ इसको बैन कर दिया है ओके दैट्स इज नॉट अलाउड एंड आई थिंक दैट्स अ बिग मिस्टेक बिकॉज नेशनल डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है अगर आप सारा मतलब फाइनेंस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालो ताकि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा ठीक रहे राइट यू स्प्रेड योर रिस्क बट हमने फॉर वेरियस रीजन पार्टली आई थिंक हम समझ नहीं पा रहे कि इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के क्या बेनिफिट्स है Uh, हमने वो कम्प्लीटली डिसअलाउ कर दिया है uh, तो आई थिंक दैट अगर हमको हमारे पेंशन फंड्स बाहर जाके इन्वेस्ट करना हमने अलाउ कर दिया तो वो वैसे भी बढ़ेंगे और जैसे जैसे ज्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर में आएंगे Uh, वैसे वैसे कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेंगे और वो पेंशन फंड ग्रोथ होगी तो ये तभी बड़ा हो सकता है जब ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें और ये तभी होगा जब ज्यादा लोग ऐसी नौकरियां में हो जहाँ पे उनके पास सरप्लस हो कि वो पेंशन में इन्वेस्ट कर पाए इसी पार्टली यू आर कंस्ट्रेन बाय लोगों के पास कितना पैसा अगर आप बहुत गरीब देश हो तो लोगों के, के पास सेविंग के लिए पैसा नहीं है मतलब वो बस डेली नीड्स ही uh, you know, कर पा रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई सेव करेगा तो उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत जरूरी है भुण, भुण, भुण। क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी कोई सप्लस फंड्स होंगे आ, कि लोग उसको थोड़ा साइड में रख के यू नो चालीस साल के बाद या पचास साल के बाद की सोचे इफ यू आर ऑन सबसिस्टेंस तो कोई यू you नो know, सोचने नहीं वाला है कि मैं पैसे साइड में रखू सो फॉर अस टू हैव बिग पेंशन फंड्स ए वी नीड इकोनॉमिक ग्रोथ

मतलब सिर्फ बाहर का ही नहीं तुम देखोगे कि कैल्पर्स वगैरह जो हैं वो इवन वहाँ के जो वीसी फंड्स हैं उनमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर जो हैं वो पेंशन फंड्स होते हैं तो उनकी जो सबसे बड़ा इनोवेशन है तुम ऐसा सोचो कि सबसे रिस्क सबसे ज्यादा रिस्क कैपिटल वो तो सबसे ज्यादा जो है रिस्क मिटिगेटिंग लोग जो होते हैं जो ओल्ड पेंशनर्स हैं उनका पैसा सोसाइटी की सबसे ज्यादा रिस्की इनोवेशन को फंड कर रहा है आई आई टू कम इन थिंक इसमें ना प्रॉब्लम ये है कि आई अग्री ओके दैट इन उन कंट्रीज में आप काफी सारा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो आप काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो बट उसके भी कॉस्ट हैं कि अगर आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक ना हो Okay, तो इट इज बेटर कि आप बस इंडेक्स फंड में पैसा डालो ये नहीं ये तो आपकी ठीक बात तो लेकिन रहे? ये भी है कि हम बोल रहे हैं कि हमको आता नहीं है करना <laughs> ट्रू आई मीन यू नो आता नहीं है या फिर हम उन लोगों को रिक्रूट नहीं कर रहे हैं जिनको आता है राइट hmm. uh, right? और पार्ट ऑफ द रीजन इज ट्रेडिशनली अगर आप ईपीएफओ को देखो hmm. तो उनके इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस बहुत रिस्ट्रिक्टिव हैं कि आपको 50 परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना है 20 परसेंट कॉरपोरेट बॉन्ड्स में डालना है ओनली रिसेंटली दस साल पहले uh, हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट अलाउ करी है एनपी okay? हाँ वर्ड थिंकिंग इट हैजेज अलाउड एक्विटी इन्वेस्टमेंट बट वहां पे भी देर आर रीजन्स कि आप कहो कि देखो uh, आप बस इंडेक्स फंड में डालो बिकॉज uh, एक तो गवर्नेंस का इश्यू है और दूसरा इश्यू ये होता है कि uh, and ये लैटिन अमेरिका में हमने काफी एक्सपीरियंस देखा है uh -huh. कि जब आप रिटेल में जाते हो और आप आ, एक्टिव फंड मैनेजमेंट कर मतलब जहाँ फंड मैनेजर खुद सोच रहा है कि मैं रियल एस्टेट में डालू मैं वीसी में डालू इसमें डालू मेरे रिटर्न कहाँ से मैक्सिमाइज होंगे वहां पे फीस बहुत बढ़ जाती है पेंशन फंड राइट और उससे अगर आप उसको कंट्रोल ना कर पाए तो बहुत मिससेलिंग होती है और फीस इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोगों के पास यू you नो know, आधा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो फीस में चला जाता है और फंड मैनेजर्स देन एंजॉय एंजॉयिफिट सो देर आर दीज ट्रेड ऑफ आप अगर इन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहो तो आपके गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आपके अकाउंटेंट स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और अगर वो नहीं है तो उससे बेटर है कि आप बस इंडेक्स फंड्स में डालो पैसा आपको इक्विटी का बेनिफिट भी मिल रहा है और और आप ये जो principal agent type problems है, उसमें ना ही हो लेकिन जैसे 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 आपने बोला जैसे equity में index fund किया है, शायद में किया किया शायद सिर्फ करो जैसे भारत सरकार ने चालू किया हुआ है है का fund of fund. तो ठीक उसमें डालने दो वो तो थोड़ा रिस्क फ्री है ना So सो अगेन तो यू नो उसमें हर एक कंट्री को अपना मतलब सोचना पड़ेगा कि वो ऑलरेडी और वो कहा है हाँ, और हाँ, वो क्या अलाउ कर कर सकते हैं कर नहीं सकते हैं तो इसका कोई ऑब्वियस आंसर नहीं है इट डिपेंड्स बट आई थिंक मुझे बस यही कहना था कि ये इतना किस नहीं है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालो या आप वी में पैसा डालो इसके भी कॉस्ट हैं hmm. तो आपको यू you नो know, सोच के करना ये करना पड़ेगा कि आपको पॉलिसी में व्हाट इज द स्टैंड ऑन दिस आई थिंक हम बहुत ही कंजर्वेटिव है हम ईपीएफओ में फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल ही अलाउ नहीं बस कुछ टेन परसेंट या यू you नो know, बहुत कम इक्विटी एक्सपोजर अलाउ करते हैं एनपीएस में थोड़ा ज्यादा है बट हम बिल्कुल ही इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं अलाउ करते हैं एंड आई थिंक दैट्स अ रियली बिग कॉस्ट आई मीन एटलीस्ट एस एन पी फाइव हंड्रेड जो इंडेक्स फंड है hmm. हम उसमें ठीक है आप यू नो ज्यादा रिस्क मत ले बट अलग अलग कंट्रीज के जैसे हमारा निफ्टी है अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग, 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 अलग इंडेक्स फंड होते हैं आप उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं तो लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है और उससे आप डाइवर्सिफिकेशन तो क्यों नहीं अलाउ करते है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनली सरकार चाहती है कि ये सब जो स्कीम है उससे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही खरीदे तो, yes, तो अगर वी कैन डू सेपरेट टॉक ऑन फाइनेंशियल <laughs> कि है। ए, और और मुझे लगता है और मुझे लगता है प्रणय कहीं यहाँ पे ये भी है और का आपको लगता है क्या कि एक जो एक वो है ना कि हमारा पैसा बाहर नहीं जाना चाहता है वाला तो एक थोड़ा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है यहाँ भी एक थोड़ा सा जो है ना हम अपने ऊपर ही रोग अंकुश खुद लगा के रखा है कि बट यू नो मुझे दाने याद दाने है अर्ली टू थाउजेंड में हम आ, आ, लोगों को कहते थे जब एनपीएस आ रहा था एंड यू नो आई वर्क इनिशियल टीम ऑफ द एनपीएस इन 2003 एंड 4 जब वो आ रहा था uh, हम जाते थे टॉक्स देने के लिए कि एक क्विटी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और तब बहुत रेजिस्टेंस था कि तुम लोग सब यू नो मार्केट में पैसा डालना चाहते हो और मार्केट में ये होगा वो होगा यू हम, हम देखोगे तो जिसने भी मार्केट में इन्वेस्ट किया वो समझदारी का काम किया उस वक्त सिमिलरली आई थिंक टूडे जैसे हमने उस वक्त इक्विटी के बारे में बात करना शुरू की अब हमने इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात uh, करनी चाहिए क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम यू uh, नो you know, थोड़ा हमारा पैसा बाहर भी डाले थोड़ा डाइवर्सिफाई करें अम्म और ऐसा नहीं है लोग कहते हैं कि यू you नो know, भारत में ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं बाहर तो दो तीन परसेंट ही रिटर्न मिलते हैं बट डाइवर्सिफिकेशन का ये नहींश्यू ये नहीं है कि कहाँ ज्यादा पैसा मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का इश्यू है कि आप रिस्क कैसे बांट रहे हो अलग अलग एसेट्स में तो आई थिंक दैट दिस इज समिंग डैट यू नो हमने ज्यादा बात करनी चाहिए इसके ऊपर लिखना चाहिए या जो लोग सोचते हैं कि बाहर डालना मतलब रिस्की है आई hmm. थिंक ये जो नोशन है कि हमारा पैसा हम बाहर डाल के उसको पता नहीं पानी में डुबा रहे हैं hmm. इसको थोड़ा डिबंक करने की जरूरत भी है hmm. uh, कि दैट नॉट ट्रू Uh, क्योंकि अल्टीमेटली हम बाहर अंदर भी तो ला ही रहे हैं ना बाद हाँ, में स्पेंडिंग बिल्कुल नहीं नहीं और हमको आई थिंक लोगों को में ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि अरे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब ऐसा थोड़ी तुम्हारा पैसा चुरा के ले गया <laughs> हाँ। <laughs> रहे exactly, हम, इन्वेस्ट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हैं।, कर रहे हैं। और इसका रिटर्न हाँ, भी तो हमें ही मिलेगा बट आई थिंक दैट करेंटली पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट एज इंटरेस्टेड

अलाव ईपीएफओ और एनपीएस जो उनका इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस है तो उसमें थोड़ा लिबरलाइज करके हाँ। बोलो पांच परसेंट आप इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो दैट्स बट अभी यू you नो know, uh, ये हुआ नहीं है वो आत्मनिर्भर वाला प्रॉब्लम आ जाता है <laughs> और हम लोग कहते रहते हैं कि आत्मनिर्भर नहीं आत्मशक्ति देखो अगर आप एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली तो अब आखिरी सवाल का अगर sure. आपको सरकार पूछे कि अब आप, आप बताइए हमें हम लोग कुछ बदलाव बदलाव करने हैं लेकिन हमें पता नहीं है और आप हमें बताइए आगे देखते हुए दस पंद्रह साल के बाद का भारत देखते हुए क्योंकि कैसे गिग वर्कर्स आ रहे हैं लोग तो एक जॉब रखते भी नहीं है पूरी जिंदगी तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर आपसे कहे कि कुछ सुझाव दीजिए तो आपके टॉप दो तो, तीन सुझाव क्या होंगे आई थिंक मेरा पहला सुझाव होगा कि करंट सिस्टम को क्लीन अप करें बिफोर uh, आप गिग वर्कर्स को अंदर लाए हुँ. आपके जो गवर्नेंस इश्यूज हैं अभी या आप यू नो फॉर एग्जांपल मैंने पहले कहा था कि मार्केट बहुत फ्रेगमेंटेड है एक उधर हो रहा है एक उधर हो रहा है कोई सेंट्रल रेगुलेटर नहीं है पी एफ सिर्फ एनपीएस को रेगुलेट करती है एग्जाम के साथ क्या हो रहा है ये कोल माइनस पीएफ के स्कैम्स हो रहे हैं उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है हमें पता भी नहीं है कि ऐसे कितने सारे फंड है और वो कितना पैसा ले रहे हैं उस पैसे का हो क्या रहा है तो हमारी रेगुलेटरी कैपेसिटी अभी काफी वीक है सो माई नंबर वन रेकमेंडेशन वुड बी अपना गवर्नेंस क्लीन करे राइट पी एफ आर डी ए को सारे पेंशन सेक्टर का रेगुलेटर बनाए ताकि सारे जो फंड्स हैं जो लोगों से पैसा ले रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी हम ज्यादा करें क्योंकि वो लोगों का पैसा ले रहे हैं माई सेकेंड रिकमेंडेशन विल बी कि आप uh, इन्वेस्टमेंट uh, गाइडलाइंस जो है वो थोड़ी लिबरलाइज करें uh, hmm. आप इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन को अलाउ uh, करें आप थोड़ा चॉइस दे जो ईपीएफ के सब्सक्राइबर्स हैं ईपीएफ फ्रंट एंड हो सकता है बट आप जैसे ईपीएफ में आए तो आपको जो पेंशन अगर एनपीएस का पेंशन फंड आपको ज्यादा पसंद है hmm. तो आप यू नो ईपीएफ को बोले कि आप उधर चैनल करें या आप ईपीएफ के पीएफ में ही रखे आपकी मर्जी है अल्टीमेटली आपका पैसा है सो आई थिंक दैट दिस काइंड ऑफ रैशनलाइजेशन और पोर्टेबिलिटी आई थिंक पोर्टेबिलिटी बहुत जरूरी है क्योंकि आज आप स्टक हो एक जॉब में क्योंकि आपके पास पीएफ है और आप दूसरी नौकरी में जाओगे तो उसको पोर्ट करना बहुत मुश्किल है वेर एज आपके पास जो एनपीएस का इनिशियल आइडिया था तो अगर इन सब फंड्स में आप पोर्टेबिलिटी करो कि आपका पेंशन नंबर आपका ही पेंशन नंबर रहे फिर आप जहां भी जाए वो अकाउंट आपके पास जाएगा अगर आप ये करो तो लेबर मार्केट के लिए भी अच्छा रहेगा सो दैट्स नंबर टू सो गवर्नेंस ऑफ ऑल द पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस आई थिंक वुड बी माई टॉप टू रिकमेंडेशन और फॉर एग्जाम्पल You know, again, सुनने में आता है की एनपीएस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में काफी प्रॉब्लम है वैसा कभी कभी टाइम पे यू you नो know, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी काट के वो टाइम पे नहीं जाता है इन्वेस्टमेंट में तो तब रेजिस्टेंस बढ़ता है अगेंस्ट एनपीएस तो आपको ये बहुत जरूरी है कि जो करंट एनपीएस है हम उसको बहुत अच्छा बनाए ताकि इट बिकम्स एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू कम राइट सो आई वुड से क्लीन अप योर एक्ट इन ऑल ऑफ दीज रिस्पेक्ट एंड नंबर थ्री एक नया सोशल सिक्योरिटी स्कीम यू नो गवर्नमेंट सोच रही थी जहाँ पे गिग वर्कर्स के लिए बेनिफिट्स हो और तो नया फंड ना निकाले हमारे पास ऑलरेडी ये सारे फंड्स हैं तो हम यू you नो know, ऐसी स्कीम बनाए ताकि हम चैनल कर सके कि अगर लोग कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो इन सारी स्कीम्स में कंट्रीब्यूट uh, uh, कर uh, पाए ताकि यू you नो know, ये एक ये कोहेसिव सेक्टर हो एंड फाइनली आई वुड से कि आपके जो सोशल पेंशन है आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू डू कैश ट्रांसफर फॉर द डेस्टिट्यूट मतलब जो बहुत गरीब है उनको एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कैश ट्रांसफर करना hmm. uh, और उसका हम इवेल्युएट करें कि हम यू नो एनसेप और एनओ में हो क्या रहा है hmm. किसको कितना पैसा मिल रहा है और हम सोशल पेंशन बेहतर तरीके से कैसे दे सके ताकि यू नो तो लोगों के पास एटलीस्ट बुढ़ापे में खाने के लिए पैसा वाह ये अच्छी लिस्ट है आपने जो रिकमेंडेशन दी तो बहुत बहुत शुक्रिया रेणुका ये बहुत ही ज्ञानवर्धक पुलियाबाजी सेशन था मेरे लिए तो बहुत कुछ नया सीखने मिला और दावा है कि हमारे लिसनर्स को भी नई चीजें पता पड़ी होंगी उनका पैसा तो जाता ही होगा हर महीना पेंशन में पेंशन फंड के लिए लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है उसके पीछे क्या सिस्टम है वो शायद उस पर थोड़ा प्रकाश पड़ा होगा इस पुल्लाबाजी से तो बहुत बहुत शुक्रिया रेणुका मजा आया थैंक यू एंड आई मीन आई होप इट वाज क्वाइट एस इफ एंड लुक फॉरवर्ड टू एवरीवनस कमेंट्स नहीं रेणुका बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला आज थैंक्स सो मच थैंक यू सो मच उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है आप दुनिया के किसी भी कोने में हो आपकी उम्र कुछ भी हो अगर आप पब्लिक पॉलिसी विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट तक्षशिला डॉट ऑर्ग डॉट पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए पुलियाबाजी पर या फिर एट ट्विटर पर शुक्रिया Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On the longest constitution with Priya, find out what's obscene about obscenity and why artists and writers have been penalized for it. On Cyrus Says, Rochelle Rao joined Cyrus to talk about her amazing career in IPL and her comeback on The Kapil Sharma Show. Srinath Rangamani, design head at Swiggy, joins Kedar and Abhinith on Audio Gyan to take them through his design perspectives. Get all the updates regarding current immigration trends on Noyer Kanun, when Umbar is joined by Shoshana T. Green and Alexandra Cole, experts from Green and Spiegel. And on The Fighting Goat, Arjun and Sumesh talk about the epic MMA fights of the decade, controversies, and the end of Pride FC. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we would like to thank our sponsors this week on the network: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Intuit India. Thank you so much for making this possible. From uncensored and unfiltered chats with the who's who of the entertainment industry, I Siddharth Kanan, bring your very heart-key chat show called Candid Kanan. Tune in every Friday on the IVM Podcast app or wherever you get your podcasts.